हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बडाली एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं एनएसआर के ही पार्ट को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पक्का बोर्ड में एनएसआर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि SN1 SN2 क्या होती है बताइए। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दे देंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें SN1 में कौन अच्छा रिएक्टिव होगा या SN2 में इनकी रिएक्टिविटी के बारे में आप कॉमेंट करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म हमारे पास दो तरीके का होता है, SN1 और SN2। SN1 को हम क्या कहते हैं, यूनि मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनि का मतलब क्या होता है, मोनो। तो जब भी हम इस SN1 से रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड है या जो रेट है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, सिंगल मॉलिक्यूल टेक पार्ट करता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं SN2 की तो SN2 क्या है, बायमोलिकुलर। तो बायमोलिकुलर का मतलब क्या है कि जब हम यहां पर रिएक्शन की स्पीड के बारे में यानी कि रेट के बारे में बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल यहां पर टेक पार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम SN2 से। तो SN2 की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एल्काइल हैलाइड मैं यहां पर ले रही हूं, ठीक है, मिथाइल हैलाइड मैंने लिया है। तो अगर हम मिथाइल हैलाइड की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हैलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, बहुत टाइम से हम ये चीज डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बताइए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल हम किनको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है, किससे स्ट्रॉन्ग, हैलोजन से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करता है। अगर ये इस पर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, और हैलोजन यहां से क्या करेगा, एज अ गुड लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म हो रही है कि कार्बन के तीन बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं जो इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसमें। न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का बॉन्ड, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और हैलोजन के साथ इसका जो पुराना बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वीक होके टूटने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, जहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक साथ हो रही है साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या होगा कि हैलोजन जो है एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में इस चीजें डिस्कस की थी। तो इतनी सी हमारी यहां पर बात है ना। बट अगर आप यहां पर बात करो ऑब्जर्वेशन स्किल्स की, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स में देखिए थोड़ी सी एक चीज है जो अगर किसी बच्चे ने ध्यान से नोटिस किया होगा तो उसको बहुत अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। ये क्या है, आपका ध्यान से देखिए, ये क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल 109.5 डिग्री पे है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बन रहा है मेरे हाथ में, तो यू आर वेरी स्मार्ट, समझ तो आप गए होंगे। ठीक है, तो अब देखें यहां पर बात करते हैं हम इसकी। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कैसे है, इस तरीके से, ऐसे मॉलिक्यूल कैसे है, ऐसे है कि कार्बन है सेंटर में, यहां पे क्या है, हैलोजन, यहां पे और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हैलोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ज्योमेट्री है आपकी, कार्बन है, हैलोजन है और यहां पर तीन हाइड्रोजन है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर रहा है, अटैक, ठीक है, और यहां पे SN2 में ये कैसे अटैक कर रहा है, बैक अटैक। अब पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसने फ्रंट अटैक क्यों नहीं किया, जैसे था ना, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन की तरफ से भी तो अटैक कर सकता था, बट उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो आपका हैलोजन है वो क्या लेकर बैठा है, तीन तीन लोन पेयर, और
न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, तो क्या वो यहां से अटैक कर पाएगा कार्बन पर? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो सामने से अप्रोच करेगा तो हैलोजन के लोन पेयर और न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट। सिंपल सी बात है। तो यहां से आना तो क्या हो गया, ब्लॉक। तो कहां से अटैक करेगा, बैक से। अब ध्यान से देखिए, जब हैलोजन यहां से अटैक करे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जब यहां से अटैक करेगा, हैलोजन यहां से लीव करेगा। देखिए हैलोजन ऐसे लीव कर गया, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल ने यहां से अटैक किया, तो क्या ये ज्योमेट्री ऐसे रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्री ऐसे नहीं रहेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है, रुके मैं एक मिनट कैप लगा लेती हूं। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है तो ये अपनी ज्योमेट्री को क्या कर देगा, चेंज। स्टेबिलिटी भी तो रखनी है ना, वेस्पर थ्योरी। हर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपने आप को अरेंज। तो ये ज्योमेट्री दिख रहे हैं कैसी हो गई, इन्वर्टेड। पहले कैसी थी, ऐसी, जब हैलोजन था, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया, ये बॉन्ड उधर की तरफ शिफ्ट हो गए और अभी आपको कैसे दिख रही है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में हमें क्या मिलता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला क्या है, इस तरीके से होता है, ठीक है। जब इन्वर्जन होगा तो ये बॉन्ड यही रहेगा और वो बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, जैसे हवा आई तो हवा आने से क्या हो गया, अम्ब्रेला उल्टा हो गया, है ना। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो आप मुझे बड़े आराम से सोच के बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा SN2 के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, कि अगर मैं बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सोचिए। देखो इमेजिन करते हैं, मेरे पास ये ज्योमेट्री थी इस तरीके से, टेट्राहेड्रल, ठीक है, इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, ठीक है। अब मैंने इन तीनों बॉन्ड को, ये जो थे, इसको सेंटर को कार्बन माना था और इन तीनों बॉन्ड को माना था कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ तीन बॉन्ड बना रखे, ये हैलोजन था, ये ऐसे हमने अज्यूम किया था। अगर मैं इन हाइड्रोजन की जगह बारी बारी से कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ती चली जाऊं, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ सी एस थ्री जोड़ दिया। अब सी एस थ्री क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है, साथ के साथ क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के बैठा है, तो वो सी एस थ्री ऐसे तो नहीं होगा, कार्बन है, उस कार्बन के भी तीन बॉन्ड निकलेंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इस कार्बन अगर सेकेंडरी हम मान रहे हैं तो इधर भी कार्बन होगा एच एच एच, टर्शरी मान रहे हैं इधर भी क्या होगा सी एस थ्री, तो एच एच एच। तो जितना ज्यादा सी एस थ्री हम यहाँ पर सी एस थ्री या कोई और अल्काइल ग्रुप, बल्कि अल्काइल ग्रुप जोड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होती चली जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, दिक्कत। जितनी कम भीड़ आसानी से अटैक करेगा, जितनी ज्यादा भीड़, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, रिपल्शन फील होगा उसको, उतना ही ज्यादा उसको अटैक करने में, बैक अटैक करने में क्या आएगी, दिक्कत, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया था, मिथाइल, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर, न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। अब हमने क्या किया, यहां पे प्राइमरी ले लिया, ठीक है, प्राइमरी मैंने बताया था ना, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अब थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ गई, ठीक है, तो इसको अटैक करने में क्या आएगी, दिक्कत। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या होगा कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, दो से, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या आएगी, और भी ज्यादा दिक्कत आएगी, आएगी ना, ठीक है। अगर हम लेते हैं टर्शरी, तो टर्शरी के केस में देखिए और क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कि बेचारा कहां से अटैक करे,
समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम भीड़ कहां पर थी? सबसे कम भीड़ थी CH3X में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? CH3X, उसके बाद कौन होगा? प्राइमरी, उसके बाद कौन होगा? सेकेंडरी, उसके बाद कौन होगा? टर्शियरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका होगा मिथाइल हैलाइड, उसके बाद होगा प्राइमरी हैलाइड, उसके बाद होगा सेकेंडरी हैलाइड, उसके बाद होगा टर्शियरी हैलाइड। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी, SN2 की रिएक्टिविटी जो है वो कम होती चली जाएगी। ये आप बढ़ते हैं हम SN1 की तरफ। ठीक है, SN1 की अगर हम बात करें तो SN1 जो है ये दो स्टेप में कैरिड आउट होती है। ठीक है, SN2 हमने देखा था ये कितने स्टेप में हुई थी, वन स्टेप में हुई थी। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते जैसे हम इंटरमीडिएट को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट के गो थ्रू जैसे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ हुआ और हमें प्रोडक्ट जो था वो मिल गया। ठीक है, SN1 में ऐसा नहीं होता है। SN1 जो है वो दो स्टेप में कैरिड आउट होती है। तो पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है किसके ऊपर? होता है कार्बोकेटायन पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले स्टेप की फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की, तो देखिए क्या हुए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का, हमने एग्जांपल लिया, हम इसमें डालते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डालते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर आपको पता ही है, ठीक है, जिसपे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। प्रोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोटिक क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो डिसोसिएट होकर H+ दें, जैसे कि H2O। ठीक है, अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं? डिसोसिएट होकर H+ देते हैं। तो H+ देने की वजह से क्या होते हैं? प्रोटिक। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम लेते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करता क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस बॉन्ड को तुड़वाने में मदद करता है। देखिए कितने टाइम से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलर। तो पोलर का मतलब क्या है? वीक। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। पोलर है तो ऑब्वियस ही बात है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पे भी क्या होगा? चार्ज, और वो चार्जेस क्या करेंगे? इस हैलोजन को सॉल्वेट कर देंगे। ठीक है, और सॉल्वेट करके इसके साथ इंटरेक्शन करके क्या करेंगे? इस वीक बॉन्ड को धीरे धीरे और ज्यादा लूज करके ब्रेक करने में क्या कराएंगे? मदद कराएंगे। तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या करेगा? यहां से टूट जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है स्लो प्रोसेस। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये यहां से लीव कर गया। अब जब ये यहां से लीव करा तो यहां पे बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया? कार्बोकेटायन। और हैलोजन जो है ये यहां से लीव कर गया। अब अगर हम बात करें कार्बोकेटायन की, तो कैसा कार्बोकेटायन दिख रहा है आपको? टर्शियरी। और टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल। क्यों होते हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बताइए? इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्या होगा? अब यहां पे इससे आगे बढ़ने से पहले हम देखिए कुछ चीज डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे? देखो जैसे कि हमारे पास टर्शियरी कार्बोकेटायन था, ठीक है, था, मान लिया ऐसे था। जब ये सॉल्वेंट ने, मॉलिक्यूल ने इसको इंटरेक्ट किया और ये यहां से निकल गया, ठीक है, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा? क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये क्या करेगा? अपने आप को रीअरेंज करेगा। और जब रीअरेंज करेगा तो क्या करेगा? एक ही प्लेन में आ जाएगा। ऐसे कैसी ज्योमेट्री बन गई? ट्राइगोनल प्लेनर। इस सेंटर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो जब भी अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल इस पे फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, और
बैक से भी अटैक कर सकता है। अगर वो फ्रंट से अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अटेन करने के लिए, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है तो ये कहाँ आ जाएंगे बॉन्ड, आगे की तरफ, समझ पा रहे हो ऐसे थोड़े से, ठीक है। और ये फिर से क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। हम इसको कैसे मॉडिफाई करके लिख रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके से टेट्राहेड्रली, ये आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, टेट्राहेड्रली हमारे पास क्या था, एल्काइल हैलाइड था। हमने क्या किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने इस बॉन्ड को तोड़वाने में मदद की और हमारा जो कार्बोकेटायन है वो कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में उसने अपने आप को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर सकता है, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन से अटैक कर रहा है जहां से लिविंग ग्रुप लीव करके गया, मतलब कि ज्योमेट्री पहले जैसी ही बन जाए, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ने वहां से अटैक किया और पहले जैसी ही ज्योमेट्री बन गई, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं रिटेंशन। क्या कहते हैं उसको, हम रिटेंशन। और अगर न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करे, ठीक है, बैक साइड से अटैक कर रहा है और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो अपोजिट हो रही है, तो अपोजिट हो रही है तो क्या होगा, हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हैलोजन यहां से लीव किया, न्यूक्लियोफाइल भी वहीं पे आके जुड़ा, क्या हुआ, रिटेंशन। अगर यहां पे देखिए हैलोजन यहां से लीव करा, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, बैक अटैक, और ये वाले बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गए, दूसरी तरफ, तो ये हमें कैसा मिला, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं, जब हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, रिटेंशन और इन्वर्जन, तो जब हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसेमिक मिक्सचर के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम SN1 SN2 के बारे में बात करें, ठीक है, तो SN1 जो है वो दो स्टेप में होती है और SN2 जो है वो वन स्टेप में होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, अगर हम बात करें SN1 के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो बताइए यहां पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो, टर्शरी, ठीक है। तो SN1 सबसे अच्छी कौन देगा, टर्शरी हैलाइड, फिर कौन देगा, सेकेंडरी हैलाइड, फिर कौन देगा, प्राइमरी हैलाइड, और लास्ट में कौन आएगा बेचारा, मिथाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।